कांग्रेस पार्टी इसकी देन थी कि इस देश के लोकतंत्र की स्पिरिट को खत्म कर दी, देश के लोकतंत्र को भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टिकरण और जातिवाद से कलर्ड कर दिया। कभी भी स्वतंत्र रूप से जनमत उभर करना आए, इस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था करने में परिवारवादी पार्टियां लगी रही। मोदी जी ने 10 ही साल में भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टिकरण और जातिवाद को समाप्त कर विकास की राजनीति को मध्य बिंदु में लाया, जिसको देश की जनता ने स्वीकारा। मित्रों, आज मैं आप सबके माध्यम से करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहने आया, अगला चुनाव दो खेमे पड़े हुए महाभारत के युद्ध में जैसे पांडव और कौरव के खेमे पड़े थे, इसी तरह चुनाव के पहले दो खेमे पड़े हैं। एक खेमा है मोदी जी के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन, और दूसरा है कांग्रेस के नेतृत्व में सारी परिवारवादी पार्टियों का इंडी अलायंस। देश को ये दोनों में से एक को चुनना है। इंडी गठबंधन, एक घमंडिया गठबंधन, भ्रष्टाचार, परिवार और तुष्टिकरण की राजनीति का पोषक, और भाजपा और एनडीए का गठबंधन राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चलने वाला गठबंधन है। देश की जनता को तय करने वाला करना है ये परिवारवादी। तो गृहमंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन पर बोल रहे हैं। आज दूसरा दिन है और विपक्ष पर इस दौरान बड़ा हमला करते हुए गृहमंत्री नजर आए। कई बड़ी बातें उन्होंने कहा कि इंडी ने लोकतंत्र के स्प्रिट को खत्म किया है। साथ ही यह भी कहा कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सिर्फ अपने परिवार के लिए काम करती नजर आती है। परिवारवादी पार्टियों ने देश को बर्बाद करने का काम किया है, अब भारतीय जनता पार्टी उन गलतियों को सुधार रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडी एक घमंडिया गठबंधन है। गृहमंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से हमला बोला और कहा कि परिवारवादी पार्टियों ने देश का विकास कभी नहीं किया, कांग्रेस ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया। और आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन जो भारत मंडपम में चल रहा है दिल्ली में, उसका दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर मौजूद हैं, थोड़ी देर में वो भी संबोधन करेंगे। और साथ ही तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री हैं वो भी इस वक्त अधिवेशन में शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े जो नेता हैं वो सब इस वक्त मौजूद हैं भारत मंडपम में। गृहमंत्री अमित शाह का संबोधन, थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करने वाले हैं। तो अमित शाह का विपक्ष पर बड़ा हमला, सीधे सीधे उन्होंने कांग्रेस को कहा कि कांग्रेस ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया है, और साथ ही इंडी गठबंधन पर भी हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह घमंडिया गठबंधन है। अंतरिक्ष देवास का घोटाला, लैंड फॉर जॉब का घोटाला, पंचकुला और गुड़गांव में भूमि आवंटन का घोटाला, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का घोटाला, एम्ब्रियर डील, बेसिक ट्रेनर विमान में घोटाला, हॉक एयरक्राफ्ट खरीद में घोटाला, सबमरीन का घोटाला, ऑगस्टा वेस्टलैंड का घोटाला, बोफोर्स का घोटाला, जीप घोटाला, मारुति घोटाला और भोपाल गैस कांड से चंदा उगाहने का घोटाला। ये कांग्रेस पार्टी हमारे यहां ऐसा कहते थे कि किसी भी तत्व का व्याप आकाश, भूमि और पाताल तक होता है, मगर इन्होंने तो आकाश से भी आगे जाकर अंतरिक्ष में भी घोटाला किया, भूमि से आगे जाकर पाताल में खदानों का भी घोटाला किया, और समंदर को भी नहीं छोड़ा, वहां सबमरीन का भी घोटाला कर दिया। जब नल थल अंतरिक्ष हर जगह एक कांग्रेस ने घोटाले किए, और इंडी अलायंस का नेतृत्व कांग्रेस के हाथ में। मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं, किस प्रकार की सरकार, एक और लाखों करोड़ के घपले घोटाले करने वाली कांग्रेस है, और दूसरी ओर 23 साल से
राज्य सरकार और केंद्र सरकार में मुखिया रहने के बाद भी हमारे विरोधी भी एक कानी पाई का आरोप न लगा सके, ऐसा नेतृत्व नरेंद्र मोदी का नहीं, देश की जनता ने। मित्रों, देश की जनता ने तय करना है कि देश का भविष्य ये भ्रष्टाचारियों के हाथ में सौंपना है या नक्सिक प्रामाणिक व्यक्ति जिस पर दुश्मन भी आरोप नहीं कर सकते, ऐसे नरेंद्र मोदी जी को सौंपना। और मित्रों, एक कहावत है, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां भी सुभान अल्लाह। जब कांग्रेस पार्टी इतना भ्रष्टाचार करती है तो साथी भला क्यों बाकी रहेंगे? आम आदमी पार्टी, आबकारी जकात का घोटाला, लोगों के उपचार में मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला, ढेर सारे घोटाले किए, लोगों के मेडिकल टेस्ट करने में भी घोटाला किया, और आज उनका सारा नेतृत्व कोर्ट से भागता है, कोर्ट से भागता है, एजेंसियों से भागता है। झारखंड में एक एमपी के घर से 350 करोड़ रुपया जब्त होता है। छत्तीसगढ़ में महादेव के नाम से जुआ खिलाने का एक घोटाला आता है। डीएमके के मंत्रियों के घर से करोड़ों रुपया बरामद होता है। तृणमूल कांग्रेस के मंत्रियों के घर से अनेक करोड़ रुपया, 55 करोड़ तो एक ही स्थान पर से मिलते हैं, अनेक करोड़ रुपयों का, सैकड़ों करोड़ के घोटाले बाहर है। और लालू जी सजा आपता है और अभी भी एक एक नई नई भ्रष्टाचार की एफआईआर उन पर हो रही है। मित्रों, पूरा इंडी अलायंस ये कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में घमंडिया गठबंधन, ये पूरा भ्रष्टाचार से लिप्त। देश की जनता ने तय करना है भ्रष्टाचार के दूषण को समाप्त करने वाले नरेंद्र मोदी जी को मैंडेट देना है या भ्रष्टाचार ही जिनका धर्म है, ऐसे इंडी अलायंस को मत देना है, ये देश की जनता ने। मित्रों, परिवारवाद, अभी ढेर सारे पत्रकार, कुछ मीडिया चैनल, इंडी अलायंस बड़ा चैलेंज, बड़ा चैलेंज, बड़ा चैलेंज, बड़ा चैलेंज। अगर मुझे कोई कहे कि इंडी अलायंस क्या है तो मैं इसकी एक ही व्याख्या करता हूं, 7 परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन इंडी अलायंस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो अपनी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं स्थापित कर सकते, वो देश की डेमोक्रेसी की रक्षा नहीं कर सकते, ये देश की जनता को। आपकी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, आपकी पार्टियां लोकतांत्रिक पार्टियां नहीं है, आप देश के लोकतंत्र का रक्षा नहीं कर सकते। एक और मोदी जी के नेतृत्व में डेवलपमेंटल अलायंस है और दूसरी ओर राहुल जी के नेतृत्व में डायनेस्टिक अलायंस है। डेमोक्रेटिक अलायंस, डेवलपमेंटल अलायंस और डायनेस्टिक अलायंस के बीच में देश की जनता को पसंद करना है। मुझे विश्वास है कि एक और मोदी जी देश के और गरीबों के विकास के लिए काम करें और दूसरी ओर अपने परिवार की चिंता करने वाली पार्टियां है, देश निश्चित रूप से विकास की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को सिलेक्ट करेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास। देखिए साहब, इनके राजनीति में उद्देश्य क्या है? मोदी जी कहते हैं महान भारत की रचना हो, 2047 तक का लक्ष्य रखा, आत्मनिर्भर भारत की रचना हो, 2047 तक का लक्ष्य रखा। सोनिया जी का लक्ष्य राहुल जी को पीएम बनाना, पवार साहब का लक्ष्य बेटी को सीएम बनाना, ममता दीदी का लक्ष्य भतीजे को सीएम बनाना, स्टालिन का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, लालू प्रसाद जी का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, उद्धव ठाकरे का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, और मुलायम सिंह जी बेटे को बनाकर ही गए हैं। अब मुझे एक बात बताइए कार्यकर्ता भाइयों बहनों, जिनका लक्ष्य ही अपने बेटे बेटी भतीजों का कल्याण हो,
वो गरीब का कल्याण कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। जिनका लक्ष्य ही अपने परिवार के लिए सत्ता हथियाना हो, वो देश का कल्याण कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। मित्रों, इस देश के अंदर 2G, 3G और 4G पार्टियां हैं। 2G से मतलब आप 2G घोटाले से नहीं है, 2 जनरेशन पार्टी, 3 जनरेशन पार्टी, 4 जनरेशन पार्टी। 4 पीढ़ी तक नेता नहीं बदलता है, 4 पीढ़ी तक नेता नहीं बदलता है। क्यों भाई? देश के किसी युवा में कौवत नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। नाजी वो नहीं बढ़ सकता, थोड़ा आगे बढ़ गया तो उसका हश्र कर देंगे। कई सारे लोग ऐसे हश्र किए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर आज लोकतंत्र की यात्रा में जुड़े हैं। तेजस्विता का, परफॉर्मेंस का, विचार का, परिश्रम का और दृष्टि का वहां कोई महत्व नहीं है, वहां केवल और केवल आप कहां जन्मे इसका महत्व है। मित्रों,